नमः शिवाय। सबको मेरा प्रणाम। हमारी पुत्री सीता के हल्दी विधि में आप सबका स्वागत है। क्षमा करिए पर मैं आपको पहचानने में असमर्थ हूं। भोलेनाथ की सेवा, उनकी भक्ति, उनसे प्रेम, प्रतिपल उनके विचार में रहना, यही हमारा परिचय है। कैलाश में हमारा संसार बसता है। हमें ज्ञात हुआ है कि मिथिला की राजकुमारी देवी सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम के साथ होने वाला है। इसीलिए हमसे रहा नहीं गया, इच्छा हुई हम भी कन्या को हल्दी लगाए, आशीर्वाद दे। अवश्य। भगवान शिव की भक्ति करने वाली आप सभी देवियों को सीता का प्रणाम। आपके शुभ आगमन से मुझे नव दुर्गा के आगमन की अनुभूति हो रही है।
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता माता पार्वती ने अपने 18 हाथों से माता सीता को हल्दी लगाई। स्वामी ने कपोट का रूप धारण कर अपने पंख ऐसे फैलाए जैसे उनमें पूरा आकाश समाया हो। आपके इस लीला को प्रणाम है स्वामी। और आपने नवदुर्गा के रूप में देवी सीता को हल्दी लगाई। आपने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया स्वामी? नारायण को मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूं पार्वती, किंतु वो मानव रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए मैंने यही कामना की कि उनके इस मानव जीवन में आने वाले सारे कष्टों का वो मर्यादा पूर्वक निर्वाह कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने। और आपने नारायण के इस अवतार के उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करने के लिए ही देवी लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित हुए हैं, और मैंने यही कामना की है कि वो अपने इस उद्देश्य में सफल हो और समग्र स्त्रियों के लिए किसी भी परिस्थिति में आदर्श जीवन निर्वाह का सर्वोच्च उदाहरण बने। देवऋषि, आप कब जा रहे हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आप किस रूप में जाएंगे? प्रभु, नारायण के चरणों का दास हूं, दास बनकर ही जाऊंगा।